के बीच में हमें चाह रखी है और अंदर से मैसेज गया जल्दी माने साहब जो सरकार से बातचीत की नहीं गए हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं उन्हें के आदेश अनुसार हमने धरना चलाना है हमने यहाँ रहना है क्या जो भी हो जो दिशा निर्देश देगा हमारा सिर्फ नेतृत्व उसके ऊपर हम काम करेंगे और हमारे बीच में बहन है शकुंतला जाकर जो जनवा की मेरा शक्ति की प्रधान है वो अपने बीच में आपकी अपने बीच में चाह रखी बहन शकुंतला जाकर जनवा की महिला शक्ति की महिला समिति की प्रधान है शकुंतला जाकर मान हुए सम्मान के योग्य तमाम किसान सरदारी के राज्य के जिला के ब्लॉकों के गांव के सभी मेरे प्रिय और बहुत सम्मानित साथीगण मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की तरफ से लगातार चाहे वो 13 महीने का आंदोलन था या उससे पहले का आंदोलन था जनवादी महिला समिति किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका में रहती है। आज भी अभी कोर्ट में तारीख थी कि 2017 के अंदर यही रोड जाम किया था कि मध्य प्रदेश मंदसौर में 7 किसान बीजेपी की सरकार ने गोलियों से भूने थे और उस रोड में ये रोड जाम किया था जिसपे 15-20 लोगों पे किसान सभा के नेतृत्व में यहाँ आंदोलन था जनवादी महिला समिति साथ थी। अभी साथी को शायद पता नहीं है कि हम तो मेरे सारी उम्र बीती आंदोलन में किसानी घर में पैदा हुए चाहे किसान आंदोलन है मजदूर है कर्मचारी है या चाहे बहन बेटियों को न्याय दिलवाने का सवाल है तो हम एक बहन नहीं है हम अनेक बहन है केवल एक बहन नहीं और हमेशा आंदोलन में हम शामिल रहते हैं। अभी आप देखिए कि 1.5 महीना हो गया आप यहाँ सरकार के बारे में बैठे प्रशासन है छोटी सरकार यही है 11 दिसंबर को आह्वान करके गए थे चेतावनी दे के गए थे नहीं सुनी उसके बाद यहाँ पड़ाव डाला अभी किसान नेतृत्व तो अंदर गया हुआ है अगर वो बात मान ले तो ठीक है हो सकता है नहीं तो भाई प्रशासन की इच्छा होगी कि रोड पर पड़ाव जाकर हम आपके साथ हैं रात को रहोगे हम रात के आपके साथ हैं। सवाल ये है कि जो किसान है वो सब अन्न पैदा करता है दूध पैदा करता है सब्जी पैदा करता है तमाम चीजें जिसे तमाम लोग खाके जिंदा रहते हैं देखो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर छोटे से छोटा बड़े से बड़ा आज उस किसान को यहाँ पे ठंड की इतनी कड़कड़ाती ठंड में हम घरों के अंदर ज्यादा नहीं उतरता और इतने सीनियर किसान यहाँ पे रजाई में आपकी बारना के बैठे और ये लाला लीली से काम नहीं चलेगा शर्म आनी सरकार को और शर्म तो शायद ही सरकार के है भी नहीं शर्म नाम की तो इनके अभी सुदेश जी सुदेश कंडेला मारे लारी रांडा की मारांडा की तो नहीं तो बलात्कारियों की सरकार है इनके सांसद इनके एमएलए इनके मंत्री मारा तो पिछला असल तो सदाम लड़ते रहे सुशीला मैडम का पाणोर जो हत्या हुई मार के फेंका जब से लेके लगातार अन्याय के सवाल को लेके लड़ते और पिछला पूरा साल जनवादी महिला समिति का सब लोगों को जोड़ते हुए हमने लाखों रुपए खर्च करे रोज टाइम से स्थानीय स्तर पर चाहे पंचकुला चाहे दिल्ली चाहे झज्जर चाहे वो हस्ताक्षर अभियान चलाने हैं। अभी कुलदीप भाई कह रहा था कि बहन बेटियों के सवाल पे भी बोलना पड़ेगा हम बोले हैं वो शिक्षा डाकर वो साक्षी मलिक विनेश फोगाट और वो जो आम महिलाएं हैं उनको लेके न्याय के लिए लड़े हैं लेकिन इस सरकार को शर्म नहीं आती एक तरफ संसद का उद्घाटन करते हैं और उस घाटन में जो बलात्कारी इनका सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह और वो संसद का उद्घाटन कर रहा है उसमें शामिल है और वो लड़कियां संसद की ओर जा रहे हैं तो सुना जूते उनके गर्दन पे पांव रखते हैं वो बेटियां वो तो आम बच्ची क्या महिला की तो स्थिति क्या होगी कि जो बेटियां पूरे दुनिया में भारत का नाम चमकाया और उनके जब संसद के उद्घाटन पे पांव रख के और उनको गिरफ्तार किया जाता है तो इससे अंदाजा लगा लो कि हमारा देश हमारी राजनीति हमारी सत्ता क्या है। ये हम समझ के लोगों को भी समझाने की जरूरत है कि हम कई बार दोस्त और दुश्मन को नहीं पहचानते कई बार तो आपस में अभी मैं वीरेंद्र नेताणी से बात कर रही थी भाई तेरी क्रांति तो बहुत अच्छी बात है क्या कर
और तो फेसबुक पर कई बार जो बोलता है उसको दुश्मन को फायदा होता है कि कई बार हमने कह रहा झंडा तो दर्जी हो जाओ, झंडा लिया हरा लाल पीला तिरंगा, झंडे की सोच सब झंडों को लेके आप लड़ने की जरूरत है। और केवल यहाँ पे नहीं, आप जब गांव के स्तर पे जाएंगे वहां भी बताने की जरूरत है। अरे ये क्या बात है कि जो बाबा राम रहीम है, हमारा तो बहुत बड़ा संघर्ष उसके अंदर शामिल है और हम सलाम करते हैं जज को, जगदीप को,